अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर मलक, आप लोगों के साथ सर्विंग एंड इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको सोकिया टोट स्टेशन CX107 के बारे में बताऊंगा कि आप इसके साथ कैसे डेटा सेव कर सकते हैं अपने यूएसबी के अंदर, और इसको आप एक्सेस के जरिए एक्सेल के अंदर कैसे आप इम्पोर्ट करेंगे, और ऑटो कैड के अंदर आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे। जस्ट 5 से 6 मिनट का, 7 मिनट का ये सेटअप होएगा और बहुत इजी तरीके से आप इसको करते हैं। तो ये इसके लिए आपको यूएसबी आपके पास होनी चाहिए। आप इसको टूर स्टेशन का जो साइड बार आएगी उसके अंदर आप इसको इंसर्ट कर दें। ये देखें, ये इंसर्ट कर दी मैंने, और इसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट को आप अपने ऑन कर लें। इंस्ट्रूमेंट आपका ऑन भी रहे तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप इंस्ट्रूमेंट को देखें, ये इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया। तो इसके बाद अगर आपने हमारा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये देखें, ये आगे आपके पास इंस्ट्रूमेंट का ये बेसिकली पेज खुल गया ओपन। इसमें दो पेजेस मेन आएंगे आपके पास, एक मेन्यू टिल्ट और सेकंड ऑप्शन आपके पास ऑब्जर्वेशन यूएसबी डेटा और कॉन्फ़िगरेशन वाला। आप यूएसबी वाला डेट जो आपके पास पेज है उसको आप ओपन करके और यूएसबी को आप इधर से सिलेक्ट कर लें। देखें, ये आपके पास इधर से दो टाइप की आपको फ़ाइल बता रहा है, टी टाइप और एस टाइप की फ़ाइल। आपने जिस टाइप की फ़ाइल के अंदर अपना डेटा आपने काफ़ी इंटर किया हुआ है, सेव किया हुआ है, उसको आप इधर से उस फाइल को आप इधर से सिलेक्ट करके और इंटर कर दें। देखें, इंटर करेंगे आपके पास सेव डेटा आ जाएगा। बाकी इसमें मुख्तलिफ लोड और सेव कोड, लोड कोड वगैरह सारे ऑप्शन हैं। ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इधर जॉब्स आ जाएंगी सारी। इसकी जो जो जॉब्स आप इधर आपने जिस जॉब्स के अंदर आपने डेटा सेव किया है वो जॉब इधर से आप सिलेक्ट कर लें। ये मुख्तलिफ जॉब्स हैं इसकी, ये देखें। तो ये जॉब नंबर 7 के अंदर मैंने डेटा अपना सेव किया है, 973 पॉइंट्स हैं। इसको आप इधर से आके सिलेक्ट कर लें उसको और इंटर कर दें। आप इंटर करेंगे, ये देखेंगे, ये आपके पास सामने जॉब नंबर 7 के आगे आउट लिखा हुआ आ रहा है। आप इसको F1 के ज़रिए ओके कर दें। देखें, ये उसके बाद ये आपको ये पूरी डिटेल्स की बता रहा है, जॉब नंबर 7, SDR, डेट, टाइम, फॉर्मेट और USB की कैपेसिटी। आप इसको ओके कर दें और ये देखें, ये फाइल सेव होना, पॉइंट सेव होना शुरू कर दिए। जस्ट 2 से 4 सेकंड के अंदर इसने आपने सारे फाइल सेव कर, पॉइंट सेव कर दिए आपके USB के अंदर। और इधर से आप इसको ओके करें, हमारे साथ रहें, हम आगे इसको एक्सेल के अंदर और उसके बाद ऑटो कैड के अंदर आपको प्लॉट करने के बारे में इसकी डिटेल बताएंगे। वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से इसके समझ आ सके। देखिए, मैंने USB लगा दी है सिस्टम के अंदर, और जैसे मैं आता हूँ और ये देखें, ये मेरे पास जॉब 7 SDR सेव आएगी मेरे पास। इसको मैंने इधर से कॉपी किया, मैंने इसको ये देखें, ये मेरे पास आ गया है। जैसे मैं इसको एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, इसकी न्यू फाइल्स के अंदर इधर से आपने सिंपल सा इसके अंदर डेटा के अंदर जाके फ्रॉम एक्सेस वाली फाइल के अंदर जाके, और आपने इधर से जिधर आपके पास वो आपकी फ़ाइल पड़ेगी आपने इधर से उसको सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास ये डेस्कटॉप के अंदर पड़ी हुई, इधर से आपने इसके ऑल फाइल्स कर देना है। और ये देखें, ये SDR जॉब 7 SDR आ रही है। आप इसको इधर से ओपन कर लें, ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जिसके अंदर ये आपके पास कोऑर्डिनेट की सेटिंग है। आप इसको जिस हिसाब से आप इसकी सेटिंग करना चाहें आगे इसको नेक्स्ट करके, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो गैर ज़रूरी आइटम्स वगैरह हैं, जैसे जिसको मैं इसको मैं डिलीट करना चाहूँगा कि यार ये चीज़ें मैंने इससे मैंने कट करनी है और ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जिससे करके मैंने उसको इधर से नेक्स्ट करके और मज़ीद मैंने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, और फिनिश कर देना है और ओके कर देना है। ये देखें, ये आपके सामने ये मेरे पास इसके फाइल्स आ गई हैं सारी, और ये देखें, ये 9 सारी फाइल्स मेरे पास इसकी आ गई। इसका एक और ऑप्शन भी है सिंपल सा, SDR फाइल्स को आप कैसे करना चाहेंगे, उसके लिए देखें, ये SDR के ऊपर आप राइट क्लिक करें और उसको ओपन विद कर, उसको ओपन विद करें और नोटपैड के अंदर इसको आप ओके कर दें। जब आप नोटपैड के अंदर ओके करेंगे तो ये आपके पास नोटपैड के अंदर ये पूरा इसका फॉर्मेट खुल जाएगा। इसको आप करने के बाद इधर से कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट करके
जैसे आप कॉपी करें उसको, और कॉपी करने के बाद आप इसको, मैं दूसरी शीट बना देता हूँ, आप इसके अंदर इस जगह पे इसको पेस्ट कर दें। देखें ये पेस्ट करेंगे तो ये मेरे पास डेटा इधर से भी इजी तरीके से ये मेरे पास सारा डेटा इधर से आ गया। ये दो तरीके हैं इसके अंदर, एक फ्रॉम एक्सेस के ज़रिए करना है और दूसरा आपने जस्ट इसको नोट पैड के अंदर ओपन करके कॉपी करके इसके अंदर आप पेस्ट कर दें। ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं। बाकी मज़ीद आप देखना चाहेंगे तो मेरे पास इसकी पहली वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल के अंदर, जिसको आप देख सकते हैं, इंपोर्ट ASSI फाइल्स के नाम से वो वीडियो बनी हुई है, जिसको आप कर सकते हैं। तो आए हम आगे चलते हैं, इसको आप ऑटोकैड के अंदर प्लॉट करते हैं। सिंपल सा इसका अंदर मेथड आएगा इज इक्वल टू कॉनकनेट वाला जो फॉर्मेट है, फार्मूले वाला, उसको आपने ओपन करना है। उसके दो तरीके, ये तुम्हारा पसंद आ रहा है, आप इधर से इसको इज इक्वल टू लिखें और फार्मूला बार में चले जाएं और इंस्टॉल फार्मूला में जाके और सी प्रेस करके वो फार्मूला आप इधर से सर्च कर सकते हैं। ये देखें ये मेरे पास आ गया है, इसको आप इधर से रख के ओपन करें। ये मेरे पास न्यू विंडो खुली, इसका तरीका कार वही है। आप सबसे पहले ऊपर वाला कॉलम सिलेक्ट करके आप स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कॉमा लगाएं और नीचे वाला कॉलम सिलेक्ट करके आप अपनी नॉर्दिंग सिलेक्ट कर लें। ऑटोकैड के अंदर प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रिंग देनी पड़ती है, उसके बाद आपको नॉर्दिंग देनी होती है। और इसको आप एलिवेशन देना चाहते हैं तो नीचे आप इसको कॉमा डॉट लगा के इसका एलिवेशन दे दें। ये मेरे पास एलिवेशन वाली फाइल नहीं है, बारल में लगा देता हूँ साथ इसके। ये देखें ये मेरे पास ये जॉइंट हो गया इसका, इसको मैं इसे ओपन करके और नीचे तक इसको मैं डबल क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें ये सारा मैंने फॉर्मेट इसका कंप्लीट कर लिया सारा। आप इधर से इसको कॉपी कर लें। ये देखें ये पॉइंट्स की कमांड मैं दे देता हूँ इधर, आप इसको इधर से आप सिंपल सा कॉपी करें और ऑटो गाइड के अंदर चले जाएं। ये मेरे पास टेबल 3D 2018 है, आपके पास ऑटो गाइड भी हो जाए कोई मसला नहीं है। आपने उसके अंदर ड्रॉ में जाके और आपने मल्टीपल पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट करना है, आपने सिंगल पॉइंट्स को नहीं करना। आपने मल्टीपल पॉइंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स आपके इधर ड्रा करेगा। अगर सिंगल पॉइंट की कमांड लेके करेंगे तो वह ही पॉइंट को ड्रा करेगा। तो ये देखिए मैं पेस्ट करता हूँ इधर, ये देखें ये पॉइंट हो गया, मैं जूम एक्सटेंड कर देता हूँ। ये देखें ये देखें मेरे पास ये प्लॉट हो गया, इसको मैं इधर से दोबारा करता हूँ ताकि वो इजीली मेरे सामने नज़र आए। आपने ये पॉइंट कमांड ली और इधर से आपने आके इसको आपने पेस्ट कर दिया। ये देखें ये आपके सामने सारे ड्रा हो रहे हैं पॉइंट्स। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बहुत ही ईजी सिंपल वे के ज़रिए। आप लाइन लगाना चाहते हैं, लाइन की कमांड ले लें, पोली लाइन की कमांड ले लें, जो भी जिस टाइप की आप फाइल प्लॉट करना चाहते हैं आप कर लें। देखिए मैंने लाइन की कमांड ली है और ये लाइन के साथ मुझे इसने इधर सारा प्लॉट कर दिया। तो आपने अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे साथ रहिए ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।